आसाम में राहुल को मंदिर जाने से रोका गया। श्री शंकर देव के जन्म स्थल पहुंचे थे। पूछा मंदिर कौन जाएगा, क्या मोदी तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन सोमवार 22 जनवरी को राहुल गांधी असम के नगांव पहुंचे। वे यहां बोदरवा थान में संत श्री शंकर देव के जन्म स्थल पर दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। सुरक्षा बलों ने राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं को बाहर ही रोक लिया। सभी को 3 बजे के बाद मंदिर आने के लिए कहा गया। मंदिर के बाहर राहुल गांधी और सुरक्षा बलों के बीच बहस हुई। राहुल ने पूछा, मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता, क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी 11 जनवरी से यहां आना चाहते थे। इसके लिए हमारे 2 विधायक मंदिर प्रबंधन से भी मिले थे। हमने बताया था कि हम 22 जनवरी को सुबह 7 बजे यहां आएंगे। हमें बोला गया कि हमारा स्वागत किया जाएगा। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक मंदिर प्रबंधन ने रविवार 21 जनवरी को बताया था, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोदरवा थान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। इसी वजह से राहुल गांधी की दोपहर 3 बजे के बाद मंदिर में आने दिया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 8वें दिन रविवार 21 जनवरी की दोपहर असम के सोनितपुर में राहुल गांधी से धक्का मुक्की हुई थी। असम के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार बोरा घायल हुए। महासचिव जयराम रमेश की कार को भी निशाना बनाया गया। सोनितपुर की घटना के बाद असम के नागौर जिले में पहुंचे राहुल गांधी को शाम के वक्त भोजनालय में लोगों की भीड़ ने घेर लिया। उनके खिलाफ नारे लगाए गए। सामागुड़ी कांग्रेस विधायक रकील बुल हुसैन का विरोध करते हुए लोगों ने अन्याय यात्रा और रकील बुल वापस जाओ लिखी तख्तियां भी दिखाई। कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के काफिले पर 48 घंटे में दूसरी बार हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया। राहुल गांधी ने कहा, आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, ना ही नरेंद्र मोदी से, ना असम के मुख्यमंत्री से। इससे पहले 19 जनवरी की रात को भी कांग्रेस ने न्याय यात्रा पर भाजपा के हमले का आरोप लगाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।